एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए अपनी कम जमीन थी। उसकी फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वे लोग ठीक से खाना नहीं खा पाते थे। वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर आया। राजा बहुत दयालु थे। उन्होंने किसान को अपनी जमीन से कुछ जमीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, यह जमीन लो, हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने वहां खोद कर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत में मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है, इसलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करोगे? आप इस ओखली को अपने पास ही रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें नहीं मिली है वह मांगने का राजा का कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसा हुआ जैसा किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालचवश मूसल अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मूसल कहाँ से लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में उसे ना ढंग से खाना मिलता ना पानी। किसान की ऐसी गलती की सजा दी गई थी जो उसने की ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना निहाल हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहता था और कहता कि बेटी की बात मान ली होती, काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा, वह ऐसा क्यों कह रहा है? तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा के दरबार में बुलाया गया। उससे बात करने के बाद राजा को पता चला कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुविधाएं दी गई। किसान और उसकी बेटी सदा सुख से रहें। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई।